नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। किरण सार में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं अपने चैनल में बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्जी। दोस्तों पहले भी बनाई है लेकिन आजकल फिर मार्केट में आ गए, फिर लाना चाहता है देखिए कि इसकी सब्जी बनाई जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे बनती है हमारी ये कटहल की सब्जी। तो दोस्तों हमने ले लिया है ये आधा किलो कटहल, जो कि आजकल मार्केट में आना शुरू हो गया है और बहुत ही फ्रेश है। बस ये कल लाए थे, आज हम इसका बना रहे हैं सब्जी। तो दोस्तों ये है आधा किलो, जिसको मैंने थोड़ा सा एक साइज़ में काट दिया है और इसको करेंगे हम मैरिनेट और तब बनाएंगे अपनी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। दोस्तों इसको हम कर देते हैं एक बोल में ट्रांसफ़र। ये मैंने ले ली है हंकड़, ये ली है हमने, बनाई थी अपने आप ही घर में जमा के। ये लिया मैंने एक चम्मच और ये दूसरा चम्मच हमारा आया, ये आया अदरक लहसुन का पेस्ट। डाल रहे हैं अपना आधा चम्मच नमक का, डालेंगे अपनी हल्दी, ये भी आधा चम्मच ली है, और ये डालते हैं धनिया पाउडर, ये लिए हमने दो बड़े चम्मच। डालते हैं अपनी एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधे से भी आधा चम्मच गोल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लिया है हमने अपना गरम मसाला, साथ ही लिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च जो कि हमारी सब्जी को देगी बहुत अच्छा कलर। तो दोस्तों ये हमारा कटहल के साथ हमारी हंकड़ और हमने सारे मसाले अपने इसमें डाल दिए हैं। अब हम डालेंगे इसमें अपना नींबू। दोस्तों ये मैं इसमें आधा नींबू का रस भी डाल रही हूँ, बस कर देते हैं इसको अच्छे से मिक्स। तो दोस्तों इसको हमने मिला लिया अच्छे से और इसको देंगे हम अपने आधे घंटे का रेस्ट। तो दोस्तों ये इसे हो चुके हैं हमारे आधा घंटे से भी ऊपर और अब हम इसे करेंगे डीप फ्राई और उसके बाद बनाएंगे इसकी सब्जी। मैंने तेल रख दिया है कढ़ाई में और ये गरम भी हो चुका है और अब डालते हैं हम अपने एक एक करके इसमें पीस डालते हैं। दोस्तों ये देखिए अच्छा खासा हो चुका है फ्राई, इसको निकाल लेते हैं अपनी एक अलग प्लेट में। तेल में जितना भी ये दिख रहा है ये हमारे सब मसाले में काम आ जाएगा, तो इसलिए आप परेशान ना होइए ये हमारे तेल में गिर गया। दोस्तों हमने फ्राई करके निकाल दिए हैं अपने कटहल और अब डाल देते हैं इसे इसी कढ़ाई में, जो तेल बचा हुआ था उसी कढ़ाई में हम लोग डालेंगे अपना प्याज। दोस्तों ये लिया मैंने दो प्याज हैं मीडियम साइज़ के, ये ले लिए और इसको अच्छे से भून लेते हैं। प्याज हमारा जल्दी भून जाए और इसके लिए डालेंगे हम छोटा चम्मच नमक का, क्योंकि नमक हमारे कटहल में भी है तो इसमें कम डालना है। अब ध्यान रखना है कि हमें मसाले में नमक मिर्च का ध्यान रखना है क्योंकि उसमें भी ऑलरेडी नमक मिर्च का पड़ा हुआ है। दोस्तों मसाले के लिए लिए हैं हमने थोड़े से दालचीनी की डंडी, ये हमने जावित्री का फूल लिया है और ये स्टार फूल है, ये भी ले लिया है। चार पांच हमने डाली है लौंग और सात आठ दाने डाले हैं हमने गोल मिर्च के और दो डाली है छोटी इलायची, इसको हम इसमें कूट लेंगे। दोस्तों हमारा प्याज हो चुका है अच्छे से ब्राउन, गोल्डन हो चुका है और सुंदर लग रहा है और ये डालते हैं हम इसमें एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, हमने पहले भी डाला हुआ है और थोड़ा सा अब डाल दिया है। और ये पानी जो हमारा बचा था मैरिनेशन के बाद, तो ये थोड़ा सा पानी है, इसको मैंने कटोरी में निकाल दिया था और इसको भी मसाले के साथ भून लेंगे। अभी हमारा इसमें नमक है और ये पानी हम थोड़ा सा पूरा डाल देंगे इसमें।
दोस्तों चम्मच की नोक पे लेंगे हल्दी, क्योंकि हल्दी डली हुई है। इसी प्रकार लेंगे हम अपना आधा चम्मच धनिया पिसा हुआ जो है। नमक हम डाल चुके हैं, लेकिन एक चुटकी फिर हम डाल देते हैं। बस डालेंगे अपनी कटी मिर्चें। ये चार मिर्चें थी दोस्तों, तो मैंने इसको काट लिया है। थोड़ा चला देते हैं दोस्तों। ये मसाले मैंने थोड़े से दरदरे कूट लिए हैं, ये भी डाल देंगे अपने मसाले में। दोस्तों ये लिए मैंने दो बड़े टमाटर, इन्हें भी चॉप करके इसमें डाल देते हैं। एक बार चला लेते हैं और टमाटर को होने देते हैं थोड़ा सा गलने के लायक, ताकि टमाटर गल जाए। अभी आपको दोस्तों मसाला इसमें कम दिख रहा होगा, लेकिन जो हमारा कटहल है इसमें भी मसाला काफ़ी है, तो इसमें मसाला थोड़ा सा कम ही रखेंगे। जब बन जाएगी सब्जी तब वो मसाला बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। दोस्तों 5 मिनट तक हमारा ये मसाला कढ़ाई में ऐसे ही पकता रहा, ढका के और थोड़ा सा इसको प्रेस किया, क्योंकि टमाटर है इसलिए इसको मैश करना ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, इसको कटहल को भी इसी में डाल देंगे। देखिए दोस्तों अब इसमें तेल कितना सारा है, इसीलिए मैंने मसाले में तेल कम डाला था। दोस्तों मसाले के साथ इसको अभी 2-3 मिनट इसको अच्छे से भून लेंगे। और दोस्तों इसमें एक बात ये भी है कि अभी हमें सिर्फ इसको इसमें नहीं गलेगा ये, तो इसे हमें प्रेशर देना ही पड़ेगा। तो हम इसको प्रेशर कुकर में शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा मसालों के साथ भुनने के बाद। थोड़ा धनिया डाल देते हैं हम अपना इसमें, थोड़ा बाबू डालेंगे। ये देखिए दोस्तों धनिया डाल दिया है, और ये लिया है मैंने कसूरी मेथी, ये भी इसमें डालेंगे। थोड़ा सा हाथों से इसको क्रश कर देंगे, ताकि ये अच्छे से सब जगह मिल जाए। बस अब अपनी गैस को कर देते हैं बंद, और शुरू करते हैं ट्रांसफर कुकर में। मैंने रख लिया है गैस में कुकर, और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा एक चम्मच तेल, ताकि जो हमारा ये कटहल है वो अंदर चिपके नहीं, क्योंकि अभी हम इसमें थोड़ा पानी कम ही प्रयोग करेंगे। और ये हम डाल रहे हैं अपने इसमें, और अब इसमें कर देते हैं इसको बंद। और जैसे ही हमारी इसमें एक सीटी आएगी, वैसे ही हम अपनी गैस को कर देंगे बिल्कुल बंद। दोस्तों हमारी आ चुकी है एक सीटी, और मैं कर देती हूँ गैस को बंद। ये हो गई दोस्तों, बन चुका है हमारा मसालेदार कटहल। अब इसे निकाल देते हैं एक बोल में, दिखाती हूँ कैसे बना हमारा कटहल। तो दोस्तों बन गई है मेरी कटहल की सब्जी। बहुत मेहनत लगी है बनाने में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैरिनेशन के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, और इसलिए इसमें थोड़ी सी मेहनत लगी है। दोस्तों घर में जो भी हम खाना बनाते हैं उसे मेहनत तो लगती ही है, लेकिन थोड़ा सा उसका टेस्ट बदलने के लिए थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है। तो वही अभी कटहल पे हुआ, क्योंकि इसको थोड़ा मैरिनेट करके पहले हमने रख दिया, थोड़ा मसाले में अच्छे से अब्जॉर्व हो जाएगा, इसलिए उसको हम बाद में बनाएंगे, ये करके मैरिनेशन कर दिया। फिर मसाला की ग्रेवी बनाई, और फिर डाल दिया उसको उसके साथ, थोड़ा फ्राई कर दिया, और फिर डाल दिया कटहल को अपनी सब्जी में। लेकिन दोस्तों कढ़ाई में कटहल जो होता है वो गलने में बहुत टाइम रहता है, गल जाएगा लेकिन बहुत टाइम लेगा, और फिर बार बार चलाने के लिए सिम करके रखना पड़ेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैंने क्या करा, उसको कुकर में शिफ्ट कर दिया, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट होके गल जाए। तो दोस्तों छोटी सी कोशिश है, जो कि सोचते हैं कि थोड़ा अच्छा बन जाए, खाने में बच्चों को अच्छा लग जाए, या जिसको भी हम खिलाएं उसको अच्छा लग जाए। तो मेरी छोटी सी कोशिश है, आप मैं सोचती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। आप भी घर में बनाइए, कुछ ना कुछ बनाते रहिए, कुछ ना कुछ बच्चों को खिलाते रहिए। और आप मेरी वैसे भी वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।